अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। मेरी दुआ है खुदा आप सबको हमेशा हमेशा खुश और आबाद रखे अपने घरों में। मैं यहाँ पे बना रही थी अफ्तारी के लिए दही भल्ले और चाट, और साथ तो कुछ फ्राइज़ वगैरह थोड़े से बनाने थे और क्रॉकेट्स वगैरह थे वो फ्राई करने थे। यहाँ पर मैं उसकी चाट के लिए जो है ना वो प्याज कट कर रही थी। और भाई प्याज अजीब किस्म गंदा किस्म का प्याज होता है कि ना वो इतना आँखों में लग रहा होता है, इतना मेरी तो आँखों में मुझे लगता है वैसे ही शदीद किस्म का प्याज लगता है ना, चाहे कोई भी हो, इतना लगता है कि मेरी आँखें काट छीलते साथ ही जो है ना आँखों से ढेरों ढेर पानी गिरना शुरू हो जाता है और इतना पानी हो जाता है आँखों में जमा कि वो मतलब अन्यवाद जो है ना मैं फिर प्याज काट रही होती हूँ, मुझे कख नज़र नहीं आ रहा होता। बस भाई जितने मर्जी बच्चों को टॉयज़ ला के दे दो ना कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब उन्होंने फिर भी जो है ना रैक से बर्तन जो है ना और प्याले और चमचे और पता नहीं क्या क्या प्लेटें वो लेके उनसे खेलना होता है जाके। अरीशा यहाँ पे चढ़ के इतने बर्तन लेके चली गई है ना उठा के अंदर। बस यहाँ पे जो है वो ये लास्ट टाइम ही बन रहे हैं भले, अब बस ख़त्म हो गया जितना मैंने जो कुछ बना के रखा था ना ये लास्ट टाइम के पड़े हुए थे, तो मैंने कहा क्लाइंट सब आज इन्जॉय कर लो क्योंकि लास्ट वाली ऑब्वियसली लास्ट टाइम इस सेंस में कि यहाँ से तो उसने फिर चले जाना है ना, तो इसीलिए मैं उसे कह रही थी। अभी ना वैसे भी रमज़ान के लास्ट डेज में जो है ना वो बंदा वैसे ही अक जाता है, एक तो फ्राइड आइटम्स खा खा के, और ये भी हमारे घर तकरीबन काफ़ी देर से बन रहे थे, मतलब दो दिन बाद तीन दिन बाद तो बन ही रहे थे, तो इस टाइम पे आके तो बिल्कुल दिल इतना तंग पड़ गया ना मेरा, कुछ भी मैं बना के ना रख देती हूँ टेबल पर इन लोगों के लिए, और मैं हीट में एक चीज़ भी मैंने आज भी कुछ भी नहीं चखा इसके, ना मैंने भल्ले खाए ना मैंने फ्राइड आइटम कुछ खाई है, मेरा दिल ही नहीं था कह रहा कुछ भी खाने का। बस अभी भी जो है वो स्क्लैन की फाइनल पैकिंग जो थी ना वो बस वो हो रही थी कि बस अब जो है ना वो बस डन कर देना और उसके बाद बैग जो है वो ओपन ही करने, और बस ये लोग वही थोड़ा बहुत आज काम कर रहे थे और वो भी तकरीबन उसका हो गया था। बाकी हम लोगों ने ज़ाहिर जाना था तो कुछ उसकी चीज़ें वगैरह कुछ हम लोगों का था कि थोड़ी बहुत जो जाना तो एक ही दिन के लिए, एक दिन के बाद ही हमने वापस आ जाना, इतना लंबा स्टे नहीं है हमारा कोई भी। एक तो जब काम कर रहे हो ना साथ साथ तो बर्तन कसम से साथ साथ भर जाते हैं, फिर साथ साथ उनको भी वॉश करते रहो तो ही बंदा सुकून में रहता है, वरना इतना ढेर लग जाता है ना बर्तन का, तो इसलिए मेरा होता है कि जल्दी जल्दी जो जो बर्तन भर है ना मैं साथ साथ उसको वॉश करके भी रख देती थी। तो बच्चे कह रहे थे हमने फ्राइज़ खाने हैं, उनको भी रोज़ जो है ना वो शौक चढ़ गया कि अफ्तारी में फ़्राइज़ बनते हैं तो उन्होंने फ़्राइज़ खाने होते हैं, तो आज मेरा मूड नहीं था लेकिन फिर बच्चों ने कहा कि नहीं हमने खाने हैं, तो फिर मैंने सोचा अच्छा चलो बच्चों को जो है मैं थोड़े से बना देती हूँ फ़्राइज़। बस यहाँ पे सभी चाट जो है मैंने बना ली हुई थी, यहाँ पे बारी थी भल्लों की, और उसके लिए मैं दही में थोड़ी सी चीनी मैंने अपना जो इसकी रेसिपी अपलोड की हुई है उसमें भी मैंने सारा बताया हुआ तरीका, इसमें मैं चीनी डाल के थोड़ी सी पहन लेती हूँ, मुझे क्योंकि बिल्कुल फीके पसंद नहीं है तो मैं दही में थोड़ी सी चीनी ज़रूर ऐड करती हूँ। जब मुझे तो ना इसका खाली भी जो है ना वो दही के साथ ऐसे ही खाने का भी बहुत मज़ा आता है, ऐसे भी मुझे बहुत पसंद है, और साथ अपने चाट मतलब ऐड करनी है तो वो भी बहुत मज़े का। और मैंने ना इस दफ़ा पापड़ी नहीं बनाई है, नहीं तो इसके ऊपर पापड़ी भी डाल के वो आप सारा प्लेट एक बनाओ ना तो बहुत मज़े की बनती है। अच्छा यहाँ पर मैं जब भी अफ्तार बना रही होती हूँ ना तो हालांकि मैं पहले शुरू कर देती हूँ लेकिन मुझे ना यही टेंशन होती है यार मैं लेट ही ना हो जाऊँ कहीं, और बस मुझे होता है जल्दी जल्दी से मैं काम कर लूँ, और फिर इतनी जल्दी मैं काम कर लेती हूँ कि वो 10 से 15 मिनट पहले मैं फ्री हो भी जाती हूँ। यहाँ पर मैंने अफ्तार जो है वो सारी टेबल पर रख दिया था सब कुछ अफ्तार के लिए। यार लाल शरबत हमारे घर जो है ना अभी मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले बना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले मौसम इतना अच्छा था कि हम लोगों ने मीठा ठंडा कुछ भी बना के पीते नहीं थे, लेकिन अब गर्मी हो गई है तो फिर हमने कहा अब लाल शरबत दे दो, उनको बहुत पसंद है कि रोज़ा जब खोलना होता है ना तब कुछ ना कुछ वो पीने के लिए लाल जो है वो शरबत ज़रूर हो। गर्मी में तो वैसे भी पीने से ना बंदे को कहते हैं वो ठंड पड़ जाती है। बस अफ्तार करने के बाद जो है वो बर्तन तो फिर आपको पता है धोने होते हैं। अच्छा ये मुझे होता है मैं अपना फ़ौरन बर्तन भी वॉश कर लूँ, क्योंकि अगर जब मैं नहीं करती ना तो फिर वो बर्तन काफ़ी देर पड़े रहते हैं और फिर वो जल्दी जल्दी ना वॉश करने का दिल भी नहीं कर रहा होता, इसलिए बेहतर होता है कि बंदा साथ ही जो है ना वो काम ख़त्म कर ले। कल का ये चावल और मंचूरियन पड़ा हुआ था तो मैंने तो यही जो है वो खाया था अफ्तारी के बाद। क्या है जारिया? ये क्या है अरीशा? अरीशा क्या है? मजा आया? कितनी बढ़िया कपड़े जो है मैंने निकाले हैं बच्चों के, क्योंकि सुबह जाना है तो समझ नहीं आ रही थी, जाना तो एक ही दिन के लिए है तो बच्चों के फिर भी पता है आपको एक दो रखने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ गंदे कर देते हैं या गीले कर देते हैं, तो इस हिसाब से जो है ना कपड़े थोड़े मैं एक्स्ट्रा रख रही थी एक एक के, चलो एक एक जो है ना मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हो
ये बैग भी बड़ा अच्छा है, ये मैं लेकर आई थी, यूँ काफ़ी स्पेस है इसके अंदर ना। सुबह जल्दी उठना है ना, ना लेट होती है। कौन एक्साइटेड है जाने के लिए? तो एक्साइटेड हो तो आपको पता है भी चाचू ने चले जाना, चाचू ने वापस नहीं आना जल्दी जल्दी। चाचू चले जाएंगे दूर, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लैंड चले जाएंगे चाचू। तो आप उदास नहीं हो जोगी चाचू से? उदास हो जोगी, मिस करोगी चाचू को? जा रही आप मिस करोगी चाचू को कि नहीं करोगे? कितना मिस करोगे? अरिशा आप कितना मिस करोगी चाचू को? चाचू को कितना मिस करेंगी? चाचू ने चले जाना है, बाय करोगी, अल्लाह हाफिज करोगी चाचू को, आगे भी दोगी? ना ख्याल रखिएगा।